अल्लाह का शुक्र है, ऊपर वाले का बड़ा एहसान है। जो पढ़ता हूँ अपना पढ़ता हूँ, सीना ठोक के पढ़ता हूँ, नया पढ़ता हूँ, पुराना किसी का नहीं पढ़ा, बल्कि मेरी गजलें लोग पढ़ रहे हैं। अनीस भाई ने इस गजल को पढ़ा है। कल हवा ने बड़ा नुकसान किया था मेरा, फिर से आहा दोबारा आइए इधर मैदान में। हाँ पहले इसको सुनो। कैसर भाई चाहिए दरगाह माशाल्लाह भाई। कल हवा ने बड़ा नुकसान किया था मेरा, उनको सुनाते जाइए। क्या कहने साबरी साहब, शर्त ये है मुस्कुराते जाइए, अगर मैं जिंदा रहूं तो जुदा ना होना पड़े तुम्हारे बाद किसी और का, ना हो ना पड़े वो सोचता है मेरा इम्तिहान कैसे ले। मैं सोचता मुझे बेवफा ना होना पड़े, मैं सोचता हूँ मुझे बेवफा ना होना पड़े। वो मेरे प्यार की हसरत समझ नहीं सकता, दीवानगी मेरी चाहत समझ नहीं सकता, कि जिसकी दोस्तों फितरत में बेवफाई हो वफा की वो कभी कीमत समझ नहीं सकता। वफा की
समझ नहीं सकता। दुश्मनों से मोहब्बत करो, ये चार मिसरे बड़े फेमस हुए। अना परस्ती है बेबाक आदमी होगा, अकबर भाई है क्या सदर साहब? चचा अना परस्ती है चांद भाई, अना परस्ती है बेबाक आदमी होगा, वो झूठ कहता है चालाक आदमी। ये नौशाद आलम वार्ड सदस्य अरगाली की जानिब से बहुत 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 शुक्रिया। पूरी अरगाली की जितने भी सरजमीन जितने भी यहाँ तशरीफ फरमा है, जिन्होंने बड़ी मोहब्बतों से दोनों पार्टी को सुना है, बड़े हौसलों से नवाजा है, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये कभी एक दादी आई सर पे हाथ रख के गई है, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका भी, क्योंकि दुश्मनों से मोहब्बत करो, दुश्मनों से मोहब्बत करो, इनकी फितरत में धोखा नहीं। बेटा अजमत, अजमत तुम्हारे पापा बैठे हैं, तुम्हारे पापा किधर हैं? नहीं है, अरे कितनी देर से गए हैं यार। चलो ठीक है, अब बच्चा है, उसके पापा होते तो मैं कुछ बात करता। दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन? कौन? दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन? मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन? कौन? आप क्यों खंजर छिपाकर आस्ती में लाए हो? आप तो मेरे हैं, मेरे आपको रोकेगा कौन?
कर गला काट डाला, बन कर गला काट डाला। दुश्मनी में ये होता नहीं, मेरा आखिरी टन है, आखिरी पढ़ के यहीं से खत्म करूंगा, लेकिन ये चार मिसरे सुनकर जाओ, पूरी गजल सुन के जाओ यार। गम बा गम रे अल्लाह का शुक्र है, ऊपर वाले का बड़ा एहसान है, जो पढ़ता हूं अपना पढ़ता हूं, सीना ठोक के पढ़ता हूं, नया पढ़ता हूं, पुराना किसी का नहीं पढ़ा, बल्कि मेरी गजलें लोग पढ़ रहे हैं। अनीस भाई ने इस गजल को पढ़ा है। कल हवा ने बड़ा नुकसान किया था मेरा, फिर से दोबारा आइए इधर मैदान में। हाँ पहले इसको सुनो, कैसर भाई चाहिए दरगाह माशाल्लाह भाई। कल हवा ने बड़ा नुकसान किया था मेरा, शुक्रिया जरा नवाजी। मौलाना शहादत हुसैन तौहीद आलम जी की जानिब से ये 200 रुपए, कैसर भाई करनैन भाई चैत रहा आपकी जानिब से 200 रुपए, शुक्रिया। तुम किसी और के हो गए, तुम किसी ये चार मिसरे अभी नया लेकर मैं आया हूं मार्केट में। वाह तवज्जो, मजा आएगा यकीन आए तो एक बात पूछ कर देखो, हकीकत है यहां सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है। यकीन आए तो एक बात पूछ कर देखो, यकीन आए तो एक बात
जो हंस रहा है वो जख्मों से चूर निकलेगा, उस आस दीन से अश्कों को पोछने वालो, उस आस दीन से अश्कों को पोछने वालो, उस आस दीन से खंजर जरूर निकले, बुजुर्ग खड़े हुए चचा और सुनने वाले लोग खड़े हुए चांद भाई जैसे शख्स माशाल्लाह। चांद भाई मलाल है ये सब नए हैं, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, बस अपने वास्ते ही फिक्रमंदी है सब लोग, बस अपने वास्ते ही फिक्रमंदी है सब लोग, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी, खड़े हुए हैं। कुछ भी हो जाए इंसान अपनी पहली मोहब्बत को नहीं भूलता। तवज्जो, सब ये कहते हैं इस शहर में एक से बढ़कर एक हुस्न है, एक हुस्न है जाने आंखों को क्या हो गया, जाने आंखों को क्या हो गया, तुझ सा कोई भी दिखता नहीं, दुश्मनी इस टॉपिक पे बहुत से कतात मैंने पढ़े हैं। एक कतात बिल्कुल नया मैंने पढ़ा था, चांद भाई हमारे युवा कप्तान भी है माशाल्लाह। चांद भाई जरा सुनना, जो जानता ही नहीं उसकी हकीकत क्या है, जो जानता ही नहीं उसकी हकीकत क्या है, जो जानता ही नहीं उसकी हकीकत क्या है, दोस्ती चीज है क्या बातों की कीमत क्या है, दोस्ती उसको फिर दोस्त तो दुश्मन की जरूरत क्या है, उसको फिर दोस्त। चांद भाई, एक सिपाही घर से निकला और कलंदर बन गया, एक सिपाही घर से निकला और कलंदर बन गया, जिसने पीछे की तरफ देखा वो पत्थर बन गया,
धीरे धीरे दोस्त मेरे दुश्मनों से जा मिले, रात रानी की जड़ों में सांप का घर बन गया। जिसकी चाहत हमने फाखिर लुटा दिए जान, जिसकी चाहत में हंसते हुए हमने फाखिर लुटा दिए जान। देखो उसने पिछड़ते हुए, देखो उसने पिछड़ते हुए एक नजर हमको दे। अभी बाबू ने एक बड़ा फेमस चार मिसरे पढ़े, आपकी इजाजत हो तो मैं भी पढ़ दूं एक बार।